इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि आर ओ आर ओ के एग्जाम में करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन आते हैं, कहां से आते हैं और आर ओ आर ओ के एग्जाम में करंट अफेयर का कितना इंपॉर्टेंस है। अगर आप बात करें आर ओ आर ओ का जो है अभी लेटेस्ट जो आने वाला एग्जाम है वो 2023 का री एग्जाम का प्री होने वाला है और ये होगा 22 दिसंबर 2024 को। अभी काफ़ी टाइम है, इसका रिजल्ट शायद आएगा करीबन जनवरी के एंड तक आ सकता है या फिर जो है फरवरी के स्टार्टिंग में। इसका मेंस हो सकता है आर ओ आर ओ का मेरे हिसाब से करीबन मार्च अप्रैल तक तो जाएगा, उससे बल्कि और आगे जा सकता है क्योंकि अगले साल कुंभ वगैरह है, उसके बाद ही जो भी ये आर ओ का है एग्ज़ाम मेंस वाला और पी सी एस का मेंस उसके बाद ही होगा। तो करंट अफेयर कितने आते हैं क्वेश्चन, कहाँ से पढ़ा जाए, वो सब चीज़ें देखते हैं इसमें। देखिए करंट अफेयर यहाँ पर 3-4 टाइप का आता है। एक होता है टोटल, टोटल का मतलब नेशनल और इंटरनेशनल। ये वाला टोटल जो करंट अफेयर होता है 24 से 26 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चन रहते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं पूछते हैं। मान लो सबमिट वगैरह पूछी तो उसकी थीम पूछ सकते हैं, उसका प्लेस पूछ सकते हैं, है ना, उसका कोई मोटो स्टेटमेंट है, कोई डिक्लेरेशन वगैरह है, वो सब पूछ सकते हैं। डेज वगैरह में भी ज़्यादातर जो है कि भाई उस डे की थीम क्या है, या बहुत पॉपुलर अगर कोई डे होता है। और जनरली एक रूल होता है डे में कि जो एग्ज़ाम से शुरू, मतलब जब भी एग्ज़ाम हो, जैसे दिसंबर में एग्ज़ाम है तो उसके आगे पीछे 2-3 महीने के ही कई बार ऐसा देखा गया है कि डेज वगैरह में पूछे जाते हैं ये। ठीक, तो ये हो गया टोटल वाला, नेशनल प्लस इंटरनेशनल। ये आपको बिल्कुल फ्री में तैयारी कराता है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। हर महीने हम मंथली करंट अफेयर देते हैं, सिर्फ आप उसको फॉलो करिए, ठीक है, उससे ज़्यादा कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, दूसरा होता है यूपी का करंट अफेयर, इसमें बजट के 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं प्लस यूपी से रिलेटेड 1-2 करंट अफेयर आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4 सवाल आते हैं बस। ठीक है, इसके अलावा इकोनॉमी जो सब्जेक्ट होता है उसमें मैक्सिमम सवाल करंट अफेयर्स के ही होते हैं। अच्छा, इसमें इकोनॉमी में क्या होता है, एक तो जो करंट अफेयर इसका है वो बजट और इकोनॉमिक सर्वे जो उत्तर प्रदेश वाला होता है और प्लस जो इंडिया वाला होता है, ज़्यादातर सवाल उसी से होते हैं। और इकोनॉमी में बस 2-3 सवाल जो है स्टैटिक वगैरह के आते हैं, तो इकोनॉमी के ज़्यादातर सवाल जो है करंट के ही होते हैं। इसके अलावा भी सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर के 2-4 क्वेश्चन आ सकते हैं कभी कभी। अगर मान लीजिए हिस्ट्री में कोई एक्सकवेशन हो गया है, कोई और चीज़ जो है खोज ली गई है, या फिर ज्योग्राफी में कोई और जो है डिस्कवरी आ गई, कुछ और चीज़ें जो है कहीं वो जो है लावा हवा फूट गया है, बहुत सारी चीज़ें कई बार जो है ज्योग्राफी में भी कोई ग्रह है जो है बहुत, मतलब बहुत ही ज़्यादा अगर कोई यूनिक चीज़ आ गई तो उससे रिलेट करके पूछते हैं। अदरवाइज पॉलिटी में अक्सर देखा गया है, पॉलिटी के जो है कई सारी चीज़ें कोर्ट वगैरह में चलती रहती हैं, तो उससे रिलेट करके कुछ करंट अफेयर जरूर पूछते हैं, एक आध सवाल आ जाते हैं। तो मोटा मोटा मतलब आपके पास 34-35 क्वेश्चन करंट अफेयर के होते हैं। जीएस में, जीएस के जो पेपर होता है 140 नंबर वाला, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज होता है करंट अफेयर का, ये ध्यान रखिए, मतलब एक बड़ा वेटेज है ये। हिंदी तो ओवरऑल जो है अब 60 नंबर का पेपर ही हो गया, लेकिन जो जीएस के पेपर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर, इसको इग्नोर मत करना। अच्छा, एक चीज़ और है कि भाई आर ओ आर ओ 2023 के री एग्ज़ाम के लिए कितना करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। आर ओ आर ओ 2023 का अगर जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसका प्री अगर आपको देना है, अक्टूबर 2023 से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मंथली करंट अफेयर जो कि बिल्कुल फ्री है, वीडियो उसकी प्लेलिस्ट भी बिल्कुल फ्री है, वो मैं लिंक में दे दूंगा, आप उससे देख डालिए सारे। ठीक है, एक तो ये वाला पूरा वीडियो देख डालिए और एक उत्तर प्रदेश का जो मंथली करंट अफेयर देते हैं वो भी अक्टूबर 2023 से ही देखिए। ठीक है, सारी चीज़ें कुछ सोच समझ के ही बोली जा रही हैं। थोड़ा सा रिस्क अवॉइड करें इस समय क्योंकि आर ओ आर ओ का पेपर वैसे भी जो है काफ़ी फैक्चुअल होता है, काफ़ी ज़्यादा जो है क्रैम्पिंग वगैरह करनी पड़ती है, इसमें चीज़ें जो है आपको पढ़नी पड़ेंगी और हो सकता है कुछ चीज़ें रटनी भी पड़ें। इस समय तो आर ओ आर ओ का पेपर आप देख ही रहे हैं कि एक अलग जो है डायनेमिक पैटर्न पर चल रहा है। तो आर ओ का, ए आर ओ का, आर ओ आर ओ 2023 का जो री एग्ज़ाम है उसमें सारे के सारे करंट अफेयर करने हैं, बिल्कुल फ्री में आप तैयारी करिए। अक्टूबर 2023 से यूपी का और जो टोटल हमारा मंथली करंट अफेयर होता है ये दोनों चीज़ें देख डालिए। ठीक है, फिर जब 22 दिसंबर आने वाला होगा तो हम आपको करीबन 2 या 3 दिसंबर तक एक हम कंपाइल करके टोटल वाला करंट अफेयर का वीडियो दे देंगे और एक कंपाइल करके यूपी वाला करंट अफेयर का वीडियो दे देंगे। बाकी बजट, इकोनॉमिक सर्वे और इकोनॉमी पापा जो यूपी पीसीएस के लिए रिलीज होगा वही आप लोग भी देख लीजिएगा। तो इससे सारे के सारे आप करंट अफेयर्स के सवाल कर पाने की स्थिति में आराम से हो सकते हैं। ठीक, बाकी आर ओ आर ओ 2023 के री एग्जाम की प्रीलिम्स की कंप्लीट तैयारी, मेंस की कंप्लीट तैयारी अभी से भी अगर आप चाहें तो स्टार्ट करके बाकायदा सिलेक्शन भी ले सकते हैं। करना ये प्री के लिए कि आप 3,500 या 5,000 वाला स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड ग्रुप ज्वाइन करें, उसमें हम सिलेक्शन मटेरियल दे रहे हैं प्लस पेड ग्रुप के एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड वीडियो दिए जा रहे हैं, वो सिर्फ पेड ग्रुप वालों को ही मिलेंगे, वो वीडियो फ्री नहीं किए जाएंगे, उसको बाकायदा पीपीटी वाले फॉर्मेट में क्रिएटिव जो है तरीके से बना के और वो सिर्फ पेड ग्रुप वालों के लिए रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, प्लस पेड क्विज और टेस्ट सीरीज। ये 4 चीज़ें करनी है, सिलेक्शन मटेरियल, ठीक है, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज और जो है इसके रिकॉर्डेड वीडियोस। इतना अगर कर लिया आपने प्री तक तो आराम से चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, आप आराम से प्री में
कट ऑफ निकाल पाने की स्थिति में रहेंगे। अभी 2023 का जो पेपर हुआ, जो लीक हो गया, हालांकि पेपर अच्छा बना था और उसमें से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से करीबन 150 क्वेश्चन आए थे। कट ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा जो है जाता है 116 से ज़्यादा ना जाता। मेंस की कंप्लीट हिंदी की एसे की तैयारी के लिए भी हमारे बाकायदा ग्रुप चल रहे हैं, पूरी रगड़ के प्रैक्टिस कराई जा रही, टास्क वगैरह कराए जा रहे हैं, आंसर राइटिंग, चेकिंग, फीडबैक सब पूरा दिया जा रहा है, पर्सनल गाइडेंस जो है, PYQ के लिए सारी चीज़ें मिल रही, ठीक है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप लेना है तो सिर्फ हमारे तीन नंबर हैं 8565880530, 7523864455 और 9696066089। सिर्फ इन तीनों नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके इंफॉर्मेशन लेके और जो है पेमेंट करके उनको जब भेजेंगे, वो लोग जिस ग्रुप में जोड़ेंगे बस वहीं पे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऑथेंटिक जेन्युइन कंटेंट मिल सकता है, बाकी और कहीं भी नहीं मिल सकता है। कोई और क्वेश्चन हो, कोई और डिमांड हो, कोई और फीडबैक या सजेशन हो, प्लीज कमेंट करके बताइए।